फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं, पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली में जो है यहाँ पे मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको हम पहले लेवल मार्क कर लेते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार मार्केट। वीकली में तो ये अच्छी क्लोजिंग थी, डेली में देख लेते हैं। डेली में देखो एक रेंज में, कम से कम 4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस था, बार बार उसको हिट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जो है मार्केट अभी क्लोजिंग रेजिस्टेंस के पास ही दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात मान सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी ये रेजिस्टेंस जो है वीक हो चुका है। तो अभी इंट्राडे में लेवल देख लेते हैं एक बार कल के लिए। और एक अगर आप देखेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आवरली, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हाई टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये नीचे एक सपोर्ट लाइन आ रहा है। यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, और ये जो लो जो है ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी ब्रेक करने की ज़्यादा मुझे लग रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंट्राडे के लिए लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए मैंने बार बार पोस्ट किया है, 850 के ऊपर पॉजिटिव है और 750 के नीचे नेगेटिव है, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है दोनों साइड। तो ये 850 का लेवल, और नीचे डाउन साइड के लिए 750 का लेवल। यहाँ से मार्केट हमारे लिए बेरिश हो जाएगा। अगर यहाँ से 750 गैप डाउन अगर खुल जाता है, तो 750 के नीचे हम बेरिश है। पहला टारगेट रहेगा 700, दूसरा टारगेट रहेगा 660 से लेके 670। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारे लिए नीचे के लेवल जो है गैप फिलिंग के, वो भी खुल जाएंगे, लेकिन वो कल ही नहीं हो सकता है। क्लोजिंग कहाँ पे देता है कल, उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो ट्रेंडिंग एक मूव हमें मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मार्केट खुलता है तो 850 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा ये, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 875, उसके बाद में आगे के लेवल अगर देखेंगे ये एक निकल के आ रहा है लेवल 20,000 का, बाद में गैप फिलिंग, गैप फिल भी हो सकता है, उसके बाद में ये वाला एक टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 850 के ऊपर हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव है, और 750 के नीचे मार्केट हमारे लिए नेगेटिव है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बार बार बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। डेली कैंडल अगर देखेंगे तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, रेजिस्टेंस के पास में ही है। इंट्राडे में अगर लेवल देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है बार बार मार्केट
रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी सेम जैसे निफ्टी में दिख रही है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग अच्छी दी है, रेजिस्टेंस के पास ही दी है, तो मार्केट हमें, मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन नॉर्मल अगर खुलता है तो नेगेटिव नहीं मानेंगे हम, उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 870 का, सॉरी 1 मिनट, ये रहेगा पहला टारगेट, बाद में दूसरा टारगेट ये रहेगा गैप फिलिंग। अगर पॉजिटिव नहीं, यहाँ से ऊपर अगर निकलता है डे हाइज, अगर पीछे जो 3-4 दिन से जो रेजिस्टेंस करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, अगर ये वाला डे हाई निकालता है तो ये गैप फिलिंग भी कल हो सकता है। तो बैंक निफ्टी भी हमारे लिए कल पॉजिटिव रहेगा। और फिन निफ्टी अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी का मंथली का एक्सपायरी है कल, फिन निफ्टी का भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छा है डेली अगर टाइम फ्रेम में देखें तो। 3-4 दिन से इसी रेंज में है मार्केट, 500 से लेके 650, मतलब 150-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो ये जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो इंट्राडे में देखते हैं लेवल्स। इंट्राडे में भी देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे आ रहा था, बार बार रेजिस्टेंस को हिट करके यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग देखे, फिर से एक बार नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो फिर निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, ये गैप फिल हो सकता है कल। बैंक निफ्टी भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये भी हमारे लिए इसका टारगेट रह सकते हैं, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये भी टारगेट हमें आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। देखते हैं अभी कल का क्लोजिंग किस तरह से मिलता है हमें। नेगेटिव हम फिन निफ्टी को इस लेवल के नीचे ही मानेंगे, 560 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो हमारे लिए नीचे का 480 का टारगेट रहेगा। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस ये कल के लिए। अगर इंट्राडे में आपको लेवल्स चाहिए, मार्केट कैसे खुलता है उसके ऊपर डिपेंड मार्केट के लेवल्स डिफाइन होते हैं। तो कल देखते हैं कहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, फ्लैट हो रहा है, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। तो लाइव मार्केट के अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। जैसे मैंने ये जो पैटर्न आपको दिखाया निफ्टी का, ये मैंने 3 दिन पहले ही अपने चैनल में अपडेट कर दिया था कि ये जो पैटर्न बन रहा है हायर टाइम फ्रेम में, इसका अगर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो कहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं, 20,100 या आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाईज भी हम देख सकते हैं, और डाउन साइड में अगर नीचे आता है तो 19,500 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो डेली अपडेट्स जो है पाने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, इसमें मैं डेली अपडेट स्विंग ट्रेड्स के लिए भी स्विंग ट्रेड्स भी डालते रहता हूँ, ये सेल के साथ में टारगेट सब डिफाइन करके ही मैं डालता हूँ। ये जो रिसेंट वाला जो मैंने दिया था, उनो मिंडा जो ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये मैंने दिया था, पोस्ट किया था कितनी तारीख को पोस्ट किया हुआ है ये उनो मिंडा, 8 नवंबर को ही मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप भी डेली अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।